नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे कुंडली के महत्वपूर्ण भाव होते हैं, हर कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, उसी तरह से हाथ की कुछ रेखाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और ये जीवन के बारे में सब कुछ बड़े विस्तार से बताती हैं। आज हम आपको बताएंगे आपके हाथ की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में और आपके जीवन पर इनके पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मार्च 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 8:20 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 8:36 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के 2:09 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 29 मार्च 2024, दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल, शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, सूर्य और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बुध बृहस्पति मेष राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं हाथ की महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में और सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह रेखा के बारे में। कहाँ होती है विवाह रेखा? ये रेखा छोटी उंगली के नीचे यहाँ पर समानांतर पैरलल पाई जाती है, छोटी उंगली के नीचे समानांतर होती है। जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही उत्तम होगा। अगर विवाह की रेखा ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ये उत्तम नहीं होता। अगर ऐसी विवाह रेखा है तो विवाह के बाद समस्याएं होंगी, विवाह समस्या का कारण बनेगा। इस रेखा का टूटा होना या ये रेखा आगे चलकर के दो भागों में बंट जाए तो ये विवाह टूटने की सूचना है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर दो विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। ये रेखा जितनी साफ और स्पष्ट होगी, आपका विवाह भी उतने समय पर होगा, उतना सही होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका कुल मिला जुला कर अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय
सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, परिवार में आपके खुशहाली आएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, परिवार में तालमेल बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है, दोपहर के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण रेखा की बात करते हैं और ये रेखा है प्रेम की रेखा। कहाँ होती है? चंद्र पर्वत जो है या शुक्र पर्वत जो है, चंद्रमा यहाँ है, शुक्र यहाँ है, अगर इस पर छोटी छोटी महीन रेखाएं हैं तो ये प्रेम की सूचना देती हैं। जब चंद्रमा या शुक्र विशेष रूप से गुलाबी दिखने लगे, हाथों की रंगत थोड़ी गुलाबी हो जाए, खास तौर से इन पर्वतों के पास, तो प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। जब इसके साथ शुक्र अत्यंत उभरा हुआ हो, यानी अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा है अगर वो ज्यादा उभरा हुआ हो, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा के पर्वत पर या शुक्र के पर्वत पर जाल हो तो प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती। प्रेम तो होता है लेकिन अक्सर विवाह होते होते रुक जाता है, प्रेम विवाह की स्थितियां नहीं बन पाती। दूसरी रेखा है संतान की रेखा, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। विवाह रेखा के ऊपर, जहां आपको बताया था विवाह रेखा, उसके ऊपर और शुक्र पर्वत की जड़ में, यानी यहां पर इस जगह विवाह रेखा के ऊपर या शुक्र पर्वत की जड़ में संतान की रेखाएं होती हैं, और संतान की रेखाओं को देख करके आप संतान के बारे में जान सकते हैं। यहां पर जो क्रॉस पाए जाते हैं, तिल पाए जाते हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, ये संतान उत्पत्ति में बाधा पहुंचाती हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में बृहस्पति मजबूत हो तो इस रेखा को सहायता मिलती है, संतान पक्ष अच्छा हो जाता है। इनकी कमियों के बावजूद संतान पक्ष की मुश्किलें परेशान नहीं करती, अगर बृहस्पति प्रबल हो, मजबूत हो। अब जानते हैं रोजगार की रेखा के बारे में। शनि पर्वत पर जो रेखा पाई जाती है या हाथ में जो रेखा ऊपर की तरफ उठती है, जिसको मोटे तौर पे हम भाग्य रेखा कहते हैं,
ये रोजगार का क्षेत्र निर्धारित करती है। हाथ में जिस पर्वत की स्थिति या जिस रेखा की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत हो वही रोजगार का क्षेत्र व्यक्ति का बन जाता है। अगर हाथ में पर्वतों का उभार कम है और हाथ की रंगत यानी हाथ का कलर अगर ब्लैकिश है, बहुत साफ नहीं है, तो इसके वजह से रोजगार में समस्या हो सकती है। यानी हाथ को एक नज़र में देखकर आप बता सकते हैं किस व्यक्ति का रोजगार कैसा है, केवल उसकी हथेलियों का रंग देखिए। अगर हथेलियों का रंग साफ है रोजगार संतोषजनक होगा, और अगर हथेलियों में कालापन है, स्पष्टता नहीं है, तो रोजगार में मुश्किलें बहुत होंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन को लेके मुश्किलें दूर होंगी, किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में बात करते हैं, और अब जिस रेखा के बारे में बात करेंगे वो है स्वास्थ्य रेखा। कहाँ होती है? बीच से निकल के, हथेली के बीच से या भाग्य रेखा से निकल के बुध की तरफ जो रेखा जा रही है इसको स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं। जीवन रेखा से भी आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ सूचना मिल सकती है। जीवन रेखा पर या स्वास्थ्य रेखा पर अगर वर्ग हो तो ये आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से बचा लेगा। अन्य चिन्ह स्वास्थ्य रेखा पर अच्छे नहीं होते। धन रेखा की बात करते हैं। धन की कोई विशेष रेखा हाथ में नहीं होती, इसके लिए कुछ विशेष चिन्ह जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति के पर्वत पर सीधी रेखा हो, तर्जनी उंगली पर सीधी रेखा होना, सूर्य पर्वत पर दोहरी रेखा डबल लाइन होना, हाथ में त्रिभुज का होना व्यक्ति को धनवान बनाता है। अगर हाथ का रंग साफ हो, गुलाबी हो, तो भी व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। ज्यादातर धनवान लोगों का हाथ देखेंगे उसमें आपको हल्का सा गुलाबीपन दिखाई देगा। अगर हाथ का रंग दबा हुआ हो या कालीमा लिए हुए हो, ब्लैकिश हो, तो
तो व्यक्ति को धन की किल्लत उठानी पड़ती है, धन की समस्या होती है। अब जानते हैं आयु रेखा के बारे में। देखिए, लोगों का ये मानना है कि ये जो जीवन रेखा है यही आयु की रेखा भी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन रेखा को केवल आयु की रेखा नहीं समझ सकते, मस्तिष्क रेखा और शनि का पर्वत ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मस्तिष्क रेखा और शनि के पर्वत का अध्ययन करके आप ठीक ठीक जान सकते हैं कि आयु का प्रखंड क्या है, अल्प आयु है, मध्य आयु है या दीर्घ आयु है। आयु रेखा के लिए भी वर्ग हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। और अगर आयु रेखा पर या जीवन रेखा पर क्रॉस हो तो इससे जीवन में समस्या पैदा होती है। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रिश्तों की समस्या आपकी दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की स्थिति बेहतर होगी, रोजगार के प्रयास सफल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बुखार हो गया हो, आप ठीक ना हो रहे हो, तो एक दिन गुनगुना पानी पी करके उपवास रखिए। शरीर में जमा हुआ विष बाहर निकलेगा और निश्चित रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 29 मार्च दिन शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।